देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 5 विषयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उन लोगों के लिए नई शुरुआत का दिन है जिन्होंने अपने नियुक्ति पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल जीवन को बदलने वाला अवसर है बल्कि समग्र बदलाव के लिए एक माध्यम भी है। शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में देश में होने वाले नए प्रयोगों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियुक्ति पाने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब तक 1431 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में 150 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का देवभूमि के प्रति विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले वर्षों में 10 लाख जो नौकरियों के दिए जाने का संकल्प लिया है, उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, अध्याचन भेजे जाएंगे।